पर चले, हमें पर गम ही गम मिले। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए, इश्क में नजर ना आए, इश्क कोई समझ न पाए। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क बिन मरा न जाए। शराफत, उठे, नमाज का वक्त हो गया। अच्छा शराफत, उठे ना। उठ गया, मेरा कुर्ता देना। अच्छा सामिया, तुम मुझे अब उस तरह क्यों नहीं उठाती जैसे शादी के बाद उठाया करती थी? अब तो 3 साल हो गए हैं, याद भी नहीं है। मैं याद दिला दूं? आपा जी को वजू के लिए पानी देना है। शरीफा दे देगी ना? गांव गई है, कल आएगी। अभी तो सुबह में बहुत वक्त है। हाँ लेकिन आपा जी तो जाग गई होंगी ना, जरा सी भी देर हो गई तो। तो कुछ नहीं। तुमने मेरी आपा जी को इतना जालिम क्यों मशहूर किया हुआ है? कभी कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? मैंने कब कहा है कि वो कुछ कहती है? तो इतनी संजीदा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा हूं। अब मैं जाऊं? नहीं रुको। क्या है? मेरा ख्वाब तो सुनती जाओ। शाम को सुनो। अभी शाम में बहुत देर है। कहा ना पानी गर्म करना है। फिर डांट पड़ जाएगी। आ गई तुम? जी आपा जी। आज मैंने ठंडे पानी से वजू कर लिया। आपा जी बस 5 मिनट देर हो गई। शराफत उठ गया? जी उठ गया। बैठो। देखो सामिया, वक्त बहुत कीमती होता है। फजर की नमाज सूरज निकलने से पूरे 5 मिनट पहले अदा होती है, और अगर ये 5 मिनट गुजर जाए तो नमाज कज़ा। जी तुम्हें पता है मैंने आज बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा है। पूछोगी नहीं क्या? क्या देखा आपा जी? मैंने देखा तुम सहन में चल रही हो, झोली फैलाए आसमान की तरफ देखती जा रही हो, और फिर अचानक इतने सारे फल तुम्हारी झोली में आकर गिरते हैं। सेब, अंगूर, अनार, न जाने क्या क्या था, मुझे तो अब याद भी नहीं। जानती हो उसका मतलब क्या? इसका मतलब है अल्लाह तुम्हारी गोद हरी करेगा। कब बाबा जी? सामिया ये तो अल्लाह के काम है, आज कर दे या सालों बीत जाए, अब उसके कामों में हमारा क्या अमल दखल हो सकता है। बस तुमने एक काम करना है अब। जी आपा जी। शराफत के सर से 5 बाल तोड़ के ला दो। ठीक है आपा जी। पूरी बात तो सुन लो, 5 बाल जड़ से तोड़ने, और इस तरह की शराफत को पता ना चले। चलो शाबाश, दूध तो पी लो।
शराफत के सर से ना मुझे पांच बाल तोड़ के लाओ, पांचों बाल जड़ से तोड़ने, और इस तरह की शराफत को पता ना चले। कैसे तोड़ू? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आपके कॉलर पर क्या है? कीड़ा? क्या कर रही हो? तोड़ क्या? नाश्ता बना दिया मेरा? बस जा रही हूँ। जल्दी कर दो वरना लेट हो जाऊंगा मैं। सुनिए। सुनाए। यहाँ बैठिए। क्यों? देखा नहीं कितनी खुश्की हो गई है। मैं तेल लगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी, क्यों? 3 साल हो गए हैं शादी को, पहले तो कभी मेरे सर में तेल नहीं लगाया। नजर ही आज पड़ी है। अच्छा, चलो अभी तो मुझे देर हो रही है, शाम को लगा देना। शाम को भी रहने दीजिएगा। ये क्या है भाई, इमोशनल ब्लैकमेलिंग? अच्छा चलो ले आओ तेल लगा दो। मैं भी लाई। कैसी हो शहनाज? आपकी दुआएं आपा जी। मैंने तो कभी तुम्हारे लिए दुआ नहीं की। आपका इस मोहल्ले में होना ही हमारे लिए दुआ से कम नहीं है। चाय पियो। जी अच्छा, आप ही का दिया ही तो खाते हैं। ऐसी बातें मत किया करो, अल्लाह नाराज होता है। जी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? वो आपा जी, मेरा इरशाद है ना, 1 हफ्ते से घर में बैठा हुआ है। क्यों? मुझे कोई मजदूरी नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे कोई तावीज वगैरह ले लूं। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तावीज देती हूँ? वो जी अल्लाह का करम है ना आप पर। शहनाज अल्लाह तो सब पे करम करता है। वो जी आप पे तो खास करम है ना। उसे कहो दुआ करे, अल्लाह बेहतर करेगा। आपा जी हम गुनाहगारों की दुआएं कहाँ कबूल होती हैं? जब दुआएं ऊपर जाती हैं ना, तो उनके साथ गुनाह नहीं जाते। हर दुआ बाअसर होती है अगर दिल से की जाए। और अपने शौहर के लिए तुमसे बेहतर दुआ कौन कर सकता है? आपा जी अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हूँ। और उसे ये भी बता देना कि खाली दुआओं से कुछ नहीं होगा, घर से निकले और मेहनत करे। जी अच्छा कह दूंगी। और कुछ? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो सामिया, क्या बात है? आपा जी उनके सर के 5 बाल तोड़कर लाई हूँ, उन्हें पता भी नहीं चला। औलाद के लिए कुछ भी करोगी है ना? जी आपा जी। लेकिन मेरे लिए वजू का पानी वक्त पे नहीं ला सकती। माफ कर दें आपा जी। आइंदा ख्याल रखना वरना इससे भी मुश्किल काम कह दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहे हो। बात ही ऐसी है, बेटा हुआ है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, बस ये सब कुछ आपा जी की दुआओं से हुआ है, वरना हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। क्यों? उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए भाई, लोगों के यहाँ 15-15 साल बाद भी तो औलाद होती है, और तुम्हारी शादी को अभी 5 ही बरस तो गुजरे हैं। सच में अल्लाह ताला की जात का बड़ा करम है तुम्हारे खानदान पर, जो आपा जी को तुम्हारे घर में पैदा किया। ठीक कह रहे हो तुम। और आपा जी हमारे लिए सिर्फ आपा जी नहीं, हमारी माँ, हमारा बाप, सब कुछ है। बेशक।
उन्होंने हमेशा हमें अपनी औलाद की तरह पाला, हमारी खातिर अपनी जवानी जाया कर दी, शादी तक नहीं की। बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। बिल्कुल, और हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते। बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत। आमीन सुमाम। अच्छा भाई ये लो। ये क्या है? छोटा सा नजराना है आपा जी के लिए, सूट है और मिठाई वगैरह तुम्हारी भाभी ने भेजा है। कभी नहीं लेंगी। यार कोशिश तो करके देखना, मैं भी तो उनका भाई हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा चलो कोशिश करूंगा। यार अकरम दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी सारे औलाद दे। आमीन। बस यार आपा जी जो दूध पे दम करके देती हैं, भाभी को पिलाते रहना, फिर देखना इंशाल्लाह गर्म होगा। इंशाल्लाह। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मिठाई रख लेते, बाकी चीजें तो वापस कर देते। आपा जी मैंने तो कहा था, मगर वो बहुत अकीदत से लाया था इसलिए जोर नहीं दिया। चलो किसी गरीब को दे देंगे, तुम्हें पता तो है कि मैं ये चीजें नहीं लेती। ठीक है आपा जी। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। तू क्यों आई है? आपा जी वो सामिया बीबी के मैके से मेहमान आए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आइए ना, खड़ी क्यों है? आइए खाला तशरीफ रखिए। नहीं पहले तुम बैठो। कैसी बातें कर रही हैं आप, बड़ी हैं मुझसे। हाँ उम्र में मैं बड़ी हूँ, लेकिन रुतबे में तुम बड़ी हो। तुम बैठो। आप भी बैठे। बैठो। वैसे ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर देती हैं। आप सिर्फ सामिया की वालदा नहीं है, मेरी भी माँ जैसी। यही तो तुम्हारा बड़ापन है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मगर मजाल है कि जरा सा भी गुरूर हो। गुरूर किस बात का खाला? इज्जत और जिल्लत तो सब उसके हाथ में है, जब चाहे जिसे नवाज दे। बेशक बेशक। अरे वजी बेटा खाला को सलाम करो आके। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, कैसे हो? अल्लाह मियाँ का शुक्र है खाला जान, और आपा जी की दुआ की बरकत से सब कुछ ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, फिर साथ खाना खाते हैं। जी। और खाला अकेली आई? नहीं सुरैया और सबा भी आई हैं, वो शायद सामिया के पास है। अच्छा आप पापा जी से मिली? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, रुखसाना से नहीं। फिर भी पुप्पो सलाम दुआ तो कर लेती। वो भी कर लूंगी, मैं कौन सा अभी जा रही हूँ, और अगर उनसे पहले मिल लेती तो तुमसे कहाँ बातें हो पाती। कौन सी बात? फुफी भतीजी की अपनी बातें। याद नहीं है कि शादी से पहले तुम कितना आया करती थी, ठहरती थी, दुख सुख करती थी। अब न कभी आई न दुख सुख किया। सुख ही सुख है पुप्पो। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ कोई दुख होगा? शादी को 3 साल हो गए और औलाद नहीं हुई, क्या ये बात दुख की नहीं है? जब अल्लाह चाहेगा हो जाएगी। बेशक बेटा, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, इलाज से क्या कुछ नहीं हो सकता। और तुम तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी नहीं गई। मैंने बात की थी, लेकिन शराफत कहते हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। देखो साल 2 साल होते तो कोई बात नहीं, अब 3रा साल शुरू हो गया। और शराफत को तो इसलिए जल्दी नहीं होगी कि उनकी आपा राजी नहीं होंगी। ऐसी बात नहीं है पुप्पो, आपा जी के हाथों से बड़े लोगों का इलाज हुआ है, कई औरतों को तो मैं खुद जानती हूँ। अपने घर का तो कुछ हुआ नहीं, कितने सालों से अपनी आपा का दम किया हुआ दूध पी रही है। कुछ हुआ बोलो। अच्छा तो यहाँ आया? हाँ और कहाँ होती मैं? इंतजार करेंगे मेरा? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ शाम देखने आई थी।
ऐसे शाम मेरे छत पर ही होती है। कोई बात है ना मेरे घर में? बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इस बड़ी छत के आपके घर में और कोई खास बात नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि घर वाली सभा और यूनिवर्सिटी वाली सभा में क्या फर्क है। कोई फर्क मिला? घर वाली सभा थोड़ी अपनी अपनी रखती है, हक जताने का दिल चाहता है। जैसे कि? जैसे सभा जरा मेरी शर्ट तो इस्त्री कर देना आप, और आज रात को डिनर में चाइनीज बनाना लेकिन जरा देसी स्टाइल, और सभा मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। और सर भी दबा दे, है ना? Exactly. ये कैसी अपनायत है? सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तो तुम बता दो अपनायत कैसी होती है? अपनायत उसमें भी हो सकती है कि हम दोनों अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं। और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। और मैं ढेर सारी शॉपिंग करूं। वाह, ढेर सारी शॉपिंग! सऊदी अरब की कमाई नहीं है मेरे पास। तुम मुझे ताना दे रहे हो। और क्या? ठीक है, एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हारा सर दबाने की बजाय तुम्हारा गला दबा दूंगी। कबूल है, कबूल है। आपा जी, आपा जी, आपा जी, क्या है? वो सामिया बीबी की फूफो है ना, वो तो बड़ी शह है। उनकी जुबान का वार और आरी की धार एक ही बात है। मैं उन्हें चाय पानी का पूछने गई तो पता क्या कह रही थी? कह रही थी कि सामिया तो वो लगती नहीं है जो शादी से पहले थी। पहले कितनी हसमुख होती थी, अब तो इसी घर के माहौल में रच बस के रह गई है। मेहमानों की सुनकर लेने के बजाय ना उनकी खातर तवाजों पे तवज्जो दिया कर। आते तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उठा यहां से। जी आपा जी। अच्छा, मेरा अगर कोई पूछे ना तो कह देना असर का वक्त निकले जा रहा था, कमरे में चली गई। जी आपा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम अस्सलाम सबा, तुम कहाँ थी? मैं ऊपर छत पर थी। लगता तुम्हें हमारे घर की छत कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसी जब भी आती हो छत पे जरूर जाती हूँ। आपके घर की छत से शाम का मंजर बहुत हसीन लगता है, इसलिए खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन ध्यान रखना, छत की तरफ एक रास्ता मेरे कमरे के पास से भी गुजरता है, अगली दफा रास्ते में रोक लूंगी। अगली दफा जब आऊंगी सबसे पहले आपसे मिलकर जाऊंगी। मैं नमाज पढ़ लू। ये ले हमारे गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, आपका मूड क्यों ऑफ है? गिले शिकवे तो होते रहेंगे ना। माँ कहाँ है तुम्हारी? किचन में। क्यों? अल्लाह जाने क्या हो जाता है उसे वहां जाके। मेरी बेटी का ससुराल है, कुछ तो लिहाज कर लिया करें। मुझे समझ में नहीं आता मामानी, आप दोनों आपा जी को लेकर उलझते क्यों रहते हैं? वही उलझाती है, कभी कहती है रुखसाना ढोंग करती है, कभी कहती है कि 3 साल हो गए दम करते हुए, अभी तक सामिया के यहाँ औलाद नहीं हूं। भाई मैं तो रुखसाना की बुराई नहीं सुन सकती, इसलिए नहीं कि मुझे उससे अकीदत है, बल्कि इसलिए कि वो मेरी बेटी की नंद है। मैं तो अम्मी को समझाती रहती हूँ, आप दोनों के झगड़ने से ना तो आपा जी को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आप लोगों को फायदा, उल्टा आप दोनों नंद भाभी के बीच में नाराज खड़ा हो जाएगा। गम पालने का शौक ना तो उसे है और ना मुझे, बस अपनी अम्मी से कहना कि खुदा का खौफ कर ले, अल्लाह का खास करम है रुखसाना पे, दुआ दे देती है तो लोगों के घर खुशियों से भर जाते हैं।
आपा जी वो न्याज दी थी, रोटियों के लिए घर से आटा गूंदकर तंदूर पर भेजा था, इसीलिए खत्म हो गया। मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हारे मैके से मेहमान तो दो बार आए हैं इस महीने, आटा कैसे खत्म हो गया? देखो बुरा ना मानना, मैं बड़े हिसाब से ये घर चलाती हूँ। दुकानों से जो किराया आता है उससे घर का खर्च निकलता है, शराफत के स्टोर से कोई खास आमदनी नहीं होती। अलमारी की तरफ क्या देख रही हो? कोई खजाना छुपा के नहीं रखा हुआ मैंने? नहीं आपा जी। नहीं नहीं कहती हो तो खोल के दिखा देती हूँ। माजरत चाहती हूँ आपा जी, आइंदा नहीं देखूंगी। मैं तो हर जगह बहुत सोच समझ के चलने की आदी हूँ, लेकिन कुछ लोग जगह भी नहीं देखते और बात कर देते। आपा जी फूफू की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ, खाने के दौरान जो भी बातें हुई। और जो बावर्ची खाने में हुई, बहन अगर तुमने मेरे हाथ का दूध नहीं पीना मत पियो, पर अपने रिश्तेदार बुलवा कर मुझे जलील भी मत करवाओ। माफ कर दें आपा जी, मैं पप्पू को आने से मना कर दूंगी। शाबाश, ताकि वो मुझे आके इस बात पे फिर जूतियां मारे, है ना? नहीं आपा जी। गलती मेरी है, पर क्या करूं, सारी दुनिया के लिए दुआ करती हूँ तो अपने भाई की खुशी के लिए नहीं करूंगी। लेकिन अगर उसकी बीवी नहीं चाहती तो मुझे क्या जरूरत है बुरा बनने की? तुम जाओ, अपनी फूफो के साथ जाओ, जिस डॉक्टर को दिखाना है दिखाओ। नहीं आपा जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, आप बस मुझे माफ कर दे। बोलिया दुरुस्त करो, शराफत आया। आ जाओ शराफत। आपा जी क्या हुआ है? बैठो। आपा जी अकरम के वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं। ओहो अल्लाह खैर करे। आपा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके साथ अस्पताल चला जाऊं, हो सकता है रात वहीं रुकना पड़े। तो साम्या अकेली रहेगी? बस एक रात की तो बात है आपा जी, उनकी तबीयत बेहतर हो गई तो जल्दी घर आ जाऊंगा। हाँ भाई जाओ, किसी की जिंदगी का मसला है, और अपना ख्याल रखना। शुक्रिया आपा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और अब जब तुम अपनी फूफो से मिलो तो मेरा सलाम देना, और बता देना कि वो घर आई थी इसलिए मैं चुप रही। अब्बा जी कहा करते थे कि घर आए शख्स की सिर्फ सुनो, और जवाब देना हो तो उसके घर जाओ। मुझे उम्मीद है इसकी नौबत नहीं आएगी। जी अब्बा जी, मैं समझा दूंगी। अच्छा जाओ, और हाँ सबा पे नजर रखना, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। जी अब्बा जी। किसका फोन आ गया? खैरियत है बेटा, इतनी रात को फोन किया? जी अम्मी खैरियत है, बस अकेली थी तो सोचा आपको फोन कर लूं। क्यों, शराफत कहाँ है? वो बाहर गए हैं जरा। अच्छा, मैं भी सोच रही थी तुम्हें फोन करने के लिए, कोई बात तो नहीं हुई हमारे आने के बाद? नहीं अम्मी कोई बात तो नहीं हुई, मगर आप पप्पू से कहिएगा जरा सोच समझ कर बात किया करें। मुझे तो खुद बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी रुखसाना के साथ, मैं क्या करूं? अब सुरैया से ये तो नहीं कह सकती मैं कि ना जाया करे तुम्हारी तरफ, तुमसे मोहब्बत भी तो बहुत करती है। जानती हूँ, इसीलिए खुद बात नहीं की कि कहीं बुराई ना मान जाए। ये मसला तो है इसका। और अम्मी प्लीज सबा को भी समझाइएगा,
यहाँ आकर इस तरह छत पर ना फिरा करे। कैसे समझाऊं बेटा, दोनों माँ बेटियां अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहांगीर पाकिस्तान में होता तो इन्हें किसी का डर भी होता। अब खुद तो जाके सऊदी अरब बैठ गया है और ये मुसीबतें मेरे लिए। अम्मी अब अपना दिल तो ना जलाए, बस उन्हें अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। ठीक है बेटा, कोशिश करूंगी मैं। अच्छा सामिया। बेटा मैं बर्तन धो रही थी, फिर बात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। सबा से खुद बात करनी पड़ेगी। इन दोनों की मोहब्बत का अगर आपा जी को पता चल गया तो ये बात भी मेरे ही सर आएगी। बर्तन बाद में उठा लेना, पहले खुद भी नाश्ता कर लो, अपना भी कभी ख्याल कर लिया करो। चलो बैठो। देखो मेरी कल वाली किसी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था, बस तुम्हारी पुप्पो की बातों पे मुझे गुस्सा आ गया। नहीं आपा जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आपकी किसी भी बात का बुरा मानूं। फिर भी खैर छोड़ो, तुम्हें पता है ना मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। जी आपा जी। शाबाश, चलो नाश्ता शुरू करो। आपा जी आज दूध नहीं पीना था। शराफत रात को घर आ गया था? जी उनका फोन आया था, अस्पताल से सीधा दुकान चले गए थे। अच्छा, हाँ तुम क्या पूछ रही थी? जी वो आज दूध नहीं पीना था। चलो आज रहने दो, कल पी लेना। शाबाश नाश्ता। आपा जी। हम्म। बड़े सरकार वापस आकर सीधा अपने कमरे में चले गए। सामिया को बुला। जी आपा जी। अच्छा रुक। जी आपा जी। तू दूध लेके आ, मैं खुद जाऊं। जी आपा जी। आइए आपा जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, आइए ना। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए भाई? बस अभी थोड़ी देर पहले। सामिया के लिए दूध दम करके लाई थी, मुझे पता होता कि तुम हो तो बाद में आ जाती। कैसी बातें कर रही हैं आप, आपका अपना घर है, आपका जब जी चाहे आए। जीते रहो, बैठे ना। मुझे मिलने ही नहीं आए तुम? मैं आया था आपके कमरे की तरफ, दरवाजा बंद था, मैंने सोचा शायद आप आराम कर रही होंगी। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखा नहीं था तो चैन नहीं आ रहा था। माफ कीजिएगा आपा जी, आइंदा एहतियात करूंगा। कोई बात, कैसे हैं अब अकरम के वालिद? बहुत बेहतर हैं, और क्यों ना होते, आपने जो दुआ की थी उनके लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब रुको क्या? नहीं आपा जी, बस थोड़ी देर में दुकान जाऊंगा, लड़के के सर पर नहीं छोड़ सकता स्टोर, खाना खा के निकल जाऊंगा। मैं खाना लेकर आती हूँ, पहले दूध तो पी लो। तुम लोग खाना खाओ, फिर शाम को मुलाकात होगी। जी आपा जी। पूरा खत्म करना,
जी। बात सुनो, तुम आपा जी को देखकर इतनी खौफसदा क्यों हो जाती हो? नहीं तो? और नहीं तो क्या, अपना चेहरा देखो। खौफसदा नहीं, कुछ सोच रही थी। क्या? सुबह जब मैंने पूछा तो आपा जी ने कहा कि आज दूध नहीं पीना, और अब सुबह कुछ और मसले है तो अब कुछ और होगा। तुम इतना सोचती क्यों हो, दूध पियो। क्या हुआ? लगता कुछ गिरा हुआ। क्या हुआ? आपा जी क्या हुआ है? आपा जी, लगता है आपका दम किया हुआ दूध काम कर गया, सामिया को उल्टी आई है। अच्छा जी, आपा जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच है? मेरा मतलब है, हमें तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए? हाँ, तसल्ली करना तो जरूरी है। दाई सुग्रह को बुला। जी आपा जी। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। जी आपा जी, इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये तसल्ली करके बता देंगी कि खुशखबरी है या नहीं? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। बड़े बड़े केस किए हैं इन्होंने, डॉक्टर क्या चीज है, उनसे ज्यादा हुनर है इनके पास। और सबसे बड़ी बात, आपा जी ने भेजा है इन्हें। अच्छा, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर देना। जी। उठो बेटा। क्या? इसमें रोने की क्या बात है? कम से कम उम्मीद तो बंदी थी ना। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला खुशी भी अता कर देगा। इसलिए तो रो रही हूँ, खुशी नहीं मिल रही तो उम्मीद क्यों बंदी? ऐसा नहीं सोचते, हर काम में अल्लाह की कोई मसलहत होती है। ये भी देखो, ऐसे भी लोग होते हैं, चार आठ नौ नौ महीने इंतजार करते हैं और उनके हाथ में आखिर में कुछ नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, मैंने या शराफत ने कभी तुम पे जोर डाला कि हमें आज ही औलाद चाहिए या जरूर होनी चाहिए? बदली है तो अल्लाह के काम है, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं।
और करते रहेंगे। ठीक है, अब रोना नहीं। शाबाश। दूध का ग्लास दे तो मैं नीचे ले जाऊं। मैं रख दूंगी अब्बा जी। नहीं बेटा, मैं नीचे ही जा रही हूँ, मैं रख देती हूँ और कल तुम्हारे लिए फिर दूध दम करके लाऊंगी। ठीक है, चलो आराम करो। तो ख्याल रखना इसका। जी। मैंने सब तैयारी कर ली आपा जी। और अब तो जी आपा जी। और सुन जी आपा जी, कल सुबह देर से आना। जी आपा जी। आपा जी, आपा जी, आपा जी, आपा जी, आपा जी। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आसूर लाए।